गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर टू में फलन की से उसके फंडामेंटल्स और उसकी परिभाषा समझेंगे और साथ ही हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फलन क्या है। तो इसमें देखो, परिभाषा में एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और एक केवल प्रतिबिंब होता है। तो यहां बच्चे देखें, यहां पर समुच्चय ए दिया है और ये समुच्चय बी दिया हुआ है। समुच्चय ए का एक अवयव लिया एक्स, इस पर फंक्शन एफ लगाया, हमको क्या मिला एफ एक्स, यह किसके वाई के बराबर है। तो इसमें यह कहना चाह रहा है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव के सापेक्ष समुच्चय बी में एक अद्वितीय अवयव हो। इस मतलब ऐसा ना हो कि ए के एक अवयव की इमेज दो हो, दो इमेज नहीं हो सकती है। तो यह अगर हम लेके चलते हैं तो यह किसका फलन का उदाहरण है, फलन। अब हम देखते हैं कि हम मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि हमने यदि वन लिया तो इसका इमेज क्या हो जाएगी, वन स्क्वायर है ना वन, और माइनस वन लिया तो इसकी इमेज भी क्या हो जाएगी, वन, एफ वन इक्वल वन स्क्वायर, वन और एफ माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वो भी वन। तो यह एक्स ए के दो अवयवों की इमेज वन और माइनस वन की इमेज एक ही है, तो यह फलन है, यह फलन है क्योंकि दो अवयवों की प्रतिबिंब एक ही अद्वितीय है, एक ही है। लेकिन यदि हम एक दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू बरमूल एक्स लेके चले, ठीक है, एफ फोर इक्वल कितना हो जाएगा, बरमूल फोर इक्वल प्लस माइनस टू। इसका मतलब क्या हो गया, यदि हमने इस समुच्चय में ए में फोर दिया है तो इसकी इमेजेस क्या होगी, एक प्लस टू होगी और दूसरा माइनस टू होगी। तो हम देखते हैं कि ए का अवयव चार है, उसकी इमेज दो है, प्लस टू और माइनस टू, यानी अद्वितीय नहीं है। इसका मतलब फलन की इमेज जो है अद्वितीय यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय नहीं है। तो यानी ऐसा देख लो आप कि यदि ए के एक अवयव से इमेजेस दो निकल रही हो तो इस तरह के केसेस में ये फलन नहीं होता है। क्लियर? मतलब आप यहां इससे तुलना करो कि इसके दो अवयवों की एक इमेज हो सकती है लेकिन एक अवयव की दो इमेज नहीं हो सकती। यदि एक अवयव की दो इमेज आ रही है तो वो फलन नहीं है, लेकिन यदि दो अवयव की एक इमेज आ रही तो वो फलन है। दोनों में अंतर दिख रहा है, यहां देखो दो 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 वैल्यूज पे एक इमेज आ रही है, यानी दो से सिंगल पे कन्वर्ट हो रहा है और यहां पर एक से दो तीर निकल रहे हैं अलग अलग दिशा में। तो ये फलन ना होने का चिन्ह और ये फलन होने का सिंबॉल है, दोनों में अंतर समझ लेना। अब हमको एक क्वेश्चन दिया है, हमको इसमें पहचानना है कि कौन से फलन है। तो जैसे पहला वाला देखते हैं, इसमें दो समुच्चय लेके चलना पड़ेंगे, तो देखें दो एक, तो दो की इमेज क्या है एक, पांच एक, पांच की इमेज भी एक है, आठ एक, आठ की इमेज भी एक है, ग्यारह एक, ग्यारह की इमेज भी एक है, चौदह एक, चौदह की इमेज भी एक है और सत्रह इसकी भी इमेज एक है। तो हमने बताया था यदि समुच्चय पहले समुच्चय के अगर अवयवों की इमेज एक हो सकती है तो यह तो फलन है, कोई दिक्कत नहीं है, यह फलन है। ठीक
ठीक है। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि दूसरे में क्या देखते हैं, दो की इमेज क्या है, एक, चार की इमेज दो, छह की इमेज तीन, आठ की इमेज चार, दस की इमेज पांच, बारह की इमेज छह और चौदह की इमेज सात। तो हम देखते हैं कि एक्स जो इसके जो पहले समुच्चय के एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी अद्वितीय इमेज है किसमें, सेकंड समुच्चय में। तो यह समुच्चय है, इसका आंसर क्या होगा, परिफलन है। अब तीसरा देखते हैं, इसमें एक हमको डोमेन लेके चलना पड़ेगा और दूसरा को डोमेन। तो डोमेन में अभी आप देखो कौन से, एक तीन, एक इसका इमेज क्या है तीन, और एक पांच, एक का इमेज क्या है पांच, और दो का इमेज पांच। तो हम यहां देखते हैं कि एक पर एक की इमेजेस क्या मिल रही है, तीन और पांच, तीन और पांच, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है अद्वितीय नहीं है, इसमें इमेज जो है अद्वितीय नहीं है, प्रत्येक अवयव की इमेज अद्वितीय नहीं है, इसलिए है प्रत्येक अवयव की इमेज इसीलिए एफ फलन नहीं है। क्लियर, तीनों बंद समझ गए, इसमें एफ फलन है, सेकंड फलन है और तीसरा फलन नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमको इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन में देखेंगे पहले का एफ एक्स, तो एफ एक्स में डोमेन प्रांत, यह तो पूरा आर हो जाएगा, आर मतलब वास्तविक संख्या, अब यदि हम ये देखते हैं कि कोई भी एक संख्या लेके चल रहा है, मान लो फाइव लिया तो उसका क्या आ जाएगा, फाइव माइनस फाइव, और एफ माइनस फाइव लेके चलते हैं तो माइनस मॉट माइनस फाइव कितना हो जाएगा, माइनस फाइव। तो हम ये देखते हैं ये चाहे हम पॉजिटिव लें चाहे निगेटिव लें, लेकिन उसकी इमेजेस जो होंगी वो सिर्फ निगेटिव होंगी, तो इसका जो परिसर होगा, परिसर वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ठीक है, इसमें सारी जो संख्याएं होंगी रियल नंबर्स वो सब निगेटिव होंगी, क्योंकि हम की इमेज देख रहा हूं चाहे पॉजिटिव नंबर लेके चलो चाहे निगेटिव लेके चलो, उनकी इमेजेस सिर्फ निगेटिव आ रही हैं। ठीक है, अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड में एफ एक्स इक्वल 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां एक आपको प्रॉपर्टी पता है बरमूल की, कि बरमूल के अंदर कोई निगेटिव नंबर होगा तो वह है जो है उसका रियल नंबर या रियल वैल्यू नहीं मिलती है। तो हम देखते हैं कि अगर बरमूल के अंदर की संख्या रियल चाहिए हो, यह जो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यह पॉजिटिव होना चाहिए, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, या इसका रूट ले लें तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 एक्स स्क्वायर, या ऐसा कहें कि एक्स की वैल्यू माइनस 3 से प्लस 3 के बीच में होगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3 से प्लस भी 3 के बीच में। तो यह इसका मतलब डोमेन जो है, डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस 3 टू प्लस
प्लस थ्री, इसके बीच के जो नंबर्स होंगे वो उसके लिए इसकी इमेज जो है वास्तविक नंबर आएगी, ठीक है। और परिसर, परिसर क्या होगा? परिसर जो है रियल्स होंगे जिनकी इमेजेस जो है कितना होगा, जैसे हमने इसका थ्री रखा तो जीरो हो गया, और यदि जीरो रखते हैं तो थ्री, तो इसका परिसर भी आपका माइनस थ्री टू थ्री के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो यह इसका आंसर है, तो नोट कर लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमको यहां पर एक फलन एफ एक्स दिया है 2x-5, तो हमको इसके मान दिखाना है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, एफ एक्स इक्वल 2x-5, तो हमको एफ जीरो, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, एस के स्थान पर जीरो रिप्लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 × 0 - 5, कितना हो गया -5, इसका आंसर हो गया। सेकंड, एफ सेवन, एफ सेवन के लिए क्या करेंगे हम, एक्स के स्थान पर 7 रिप्लेस कर देंगे, कितना हो गया 14 - 5 इक्वल 9। थर्ड, एफ -3, तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 3 - 5, कितना हो गया -6 - 5 - 11, ठीक है। ये इसके आंसर हो गए। हमने समझ गए होंगे सभी बच्चे क्या किया है, ये फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स टू टू एक्स माइनस फाइव, तो एक्स की जो वैल्यूज हैं 0, 7 और -3 एक्स के स्थान पर रिप्लेस कर दी और उसको सॉल्व कर लिया, तो जो वैल्यू आई वह एफ फंक्शन के इमेज की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों को ये डिफाइन किया है एफ सी इक्वल ये टी डिफाइन किया है, टी सी इक्वल 9c / क्या डिफाइन है यहां पर, टी सी इक्वल 9c / 5 + 32, तो हमको क्या करना है इसमें टी जीरो फाइंड करना है, तो आप सी के स्थान पे जीरो रख दो, 9 0/5 + 32, कितना हो जाएगा जी 90 हो गया और ये 32 हो गया, कितना आ गया 32। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसी तरह से बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी हो जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, आपको परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक्स को आप पूरा कोई भी रियल ले सकते हैं, और यदि एक्स की वैल्यू रखते हैं आप यहाँ पर तो कितनी वैल्यू होती है, अभी हमने जो परिसर दिखाया था कि आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू आएंगी, तो इसका परिसर भी रियल नंबर होगा, ठीक है। और इसी तरह से आप सेकंड थर्ड भी कर सकते हैं, ओके। इसको हल करके दिखाइए। थैंक यू।